पहले भी कहा कि किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। किसानों को यह चिंता है कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने बार बार यह कहा। आदरणीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने एक बार नहीं बार बार इस बात को किसानों को समझाया है कि एमएसपी के ऊपर खरीद जैसे पहले हो रही थी उसी प्रकार से होती रहेगी, एमएसपी को बंद नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह भी उन्होंने कही कि हम सरकार जो परचेज करेगी वो केवल कृषि मंडियों से करेगी। तो दोनों ही बातें स्पष्ट है, एक तो एपीएमसी को लेकर और एक एमएसपी को लेकर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ना तो एमएसपी हम बंद करेंगे, अब हमने देखा भी है अभी चाहे वो धान की जो फसल थी उसको जो है एमएसपी के ऊपर खरीदा गया, जो मैं पंजाब का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और देश के बहुत से राज्य है, चाहे उसमें राजस्थान के किसान है, मध्य प्रदेश के किसान है और अन्य बहुत सारे राज्यों के किसान है जिन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए बात कही है कि इन बिलों के आने के बाद उसका उनको इसका फायदा हुआ है और वो अपनी फसल अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। सुरेश जी, एनडीए के बहुत सारे जो अलाइज हैं, एनडीए के जो सहयोगी हैं, उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर सरकार से समर्थन वापस दिया है, सरकार से अलग हुए हैं। अभी हाल ही की देखिए, मैं कहना चाहूंगा अकाली दल बीजेपी ने भी, जेजेपी हरियाणा में उनके 7 लोगों ने 10 में से किसान बिल को सपोर्ट किया। तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अकाली दल जिसने कि अपनी राजनीतिक मजबूरियों के होते हुए कि इनको लगता है कि पंजाब में चुनाव निकट हैं और उस दृष्टि से उनको लगता है कि किसान कहीं उनसे ना छिटक जाए, उस दृष्टि से उन्होंने अपनी राजनीतिक मजबूरी के नाते सरकार से, केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है।